हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों सभी को राम राम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों हम आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा बहुत अच्छा और बहुत विशेष रहने वाला है, क्योंकि हम दोस्तों दिल्ली के अंदर हैं और हमारे जो खुराना जी हैं, आज हमारे ब्लॉग पे उनका इंटरव्यू होगा दोस्तों, और हम उनकी आड़त में यहाँ पर खड़े हैं इस टाइम। मैं भी लहसुन लेके आया हूँ दोस्तों, और जो उनका इंटरव्यू लेते हैं राणा जी, आज हम उनका भी इंटरव्यू लेंगे दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन से यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो हमारे यहाँ पे हमेशा ही देखते हैं हम उन्हें इंटरव्यू पे, वीडियो पे हमेशा देखते हैं हम खुराना जी को। तो मैं आज वो जगह यहाँ दिखाता हूँ अपने ब्लॉग पे दोस्तों, जहाँ पे वो है। अभी आएंगे, वो भी आए नहीं अभी, और बाकी थोड़ा सा लहसुन वगैरह दिखा देते हैं दोस्तों आपको। तो मैं यहीं इनकी आड़त में खड़ा हूँ अभी। ओके फ्रेंड्स, दिखाते हैं फिर आपको दोस्तों। ये यहाँ पे खुराना जी का है दोस्तों, यहाँ पे हमारे खुराना जी होते हैं दोस्तों, उनकी आड़त का है ये व्यू जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे राणा जी, क्या वो क्या नाम उनका, खुराना जी आएंगे दोस्तों, और ये उनकी आड़त है यहाँ पे। बाकी अभी भाइयों से मिलाता हूँ जो यहाँ पे हैं दोस्तों, और इनका काम भी हम पूछते हैं जो भी है दोस्तों। तो फर्स्ट टाइम दोस्तों यहाँ पे हमारे हैं, तो भाई जी अपना प्लीज आप नाम बताइए। नमस्कार भाई जी, मेरा नाम परविंदर शर्मा है। परविंदर शर्मा जी है दोस्तों। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी भाई, तो काम क्या होगा अपना यहाँ पे? काम लहसुन बेचना है भैया अपना। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो भाई दोस्तों जो हम लहसुन बेचते हैं, हमारे भाई बेचते हैं दोस्तों उसको। तो भाई जी आपका मतलब वैसे खुराना जी के पास ही आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो खुराना जी के पास है दोस्तों भाई हमारे, और लहसुन बेचते हैं। अच्छा, तो भाई जी आप क्या मार्केट कैसी भैया? आज तीन गाड़ी की आमदन है, दो MP एक हिमाचल है। अच्छा जी। और हिमाचल की बोतल समझो 110 रुपए से लेके 180-90 रुपए, फोर का बिक रहा है 180-90 रुपए। अच्छा जी। 150 भी है, 160 भी है। अच्छा। जैसा माल ऐसा भाव है। अच्छा। पर नीचे में 10 रुपए, 110 रुपए, ऊंचे में 190 रुपए की पोजिशन है आज कंडीशन। तो दोस्तों आज की कंडीशन हमारी ये है, हमारे भाई ने बता दिया हमें, शर्मा जी ने। तो अच्छा, तो और भाई जी मतलब बाकी कैसा रहा आपका इस बार ऑल ओवर? इस बार तो अच्छी रहा, हिमाचल भी अच्छा है। अच्छा, इस बार हिमाचल की फसल भी अच्छी थी। अच्छा, आने वाले समय भी अच्छी फसल होगी हिमाचल में। आने वाले अच्छी होगी, वही अच्छी है इस बार। तो मतलब जो आपकी वीडियो यहाँ से जा रही है दोस्तों, मेरे ख्याल भाई जी अब काफी आ रहा है माल। हाँ जी, हाँ जी। लहसुन तो अभी जो है 200 बिक सकता है हिमाचल का माल। अच्छा जी, अभी कंडीशन सही है। अच्छा, बिक्री सही हो जाएगी। अब ईरान का माल थोड़ा कम हो गया है, बाहर के देशों का माल थोड़ा कम हो गया है। अच्छा, तो बिक्री खुल जाएगी अभी हिमाचल के मान लो। अच्छा, तो दोस्तों आपने सुन लिया होगा हमारे भाई की बात। बाकी दोस्तों यहाँ का व्यू इस तरह से ही है, कि एक काम करने वाला बंदे है भाई दोस्तों यहाँ पे, देख रहे हैं। मेरा नंबर दोस्तों भाई हमारा नंबर दे रहे हैं, तो प्लीज भाई अपना नंबर बता दें आप। 98-910-62-553, दुकान नंबर A287, डी जितेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार। तो दोस्तों अगर आपको रेट का पता करना हो, कुछ और पता करना हो, तो आप भाई के कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम खुराना जी का भी अभी इंटरव्यू लेते हैं जब वो आते हैं। तो ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, ओके बाय। ओके बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों हम खुराना जी के पास बैठे हैं, और हमारे भाई भी आए हैं दोस्तों यहाँ पे, तो इनसे थोड़ी सी बातचीत हम कर लेते हैं। तो भाई जी अपना नाम क्या होगा? मोहतरम खान। मोहतरम खान है दोस्तों हमारा भाई का नाम। तो भाई जी आप कहाँ से हैं? तुगलकाबाद से। है तुगलकाबाद, तुगलकाबाद, तुगलकाबाद है भाई जी। आप सुन लिया होगा व्यूअर साहब ने जो जहाँ से भाई जी बोल रहे हैं। तो भाई जी क्या काम क्या है अपना? भाई फ्रूट भी बेचते हैं, लहसुन भी बेचते हैं, सारे काम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ से आप खरीद के ले जाएंगे? डेली हम यहाँ से डेली एक गाड़ी बना के ले जाते हैं। अच्छा 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 जी। तो भाई जी देखो यहाँ से हमारे भाई आते हैं और यहाँ से गाड़ी खरीद के ले जाते हैं। हाँ जी, गाड़ी डेली बनाते हैं, एक गाड़ी बनाते हैं, लहसुन की बनाते हैं, एप्पल की बनाते हैं, सेब की। अच्छा, अनार भी खरीदते हैं, अमरूद भी खरीदते हैं। अच्छा, नारियल भी खरीदते हैं, सारे माल खरीद के एक गाड़ी बनाते हैं, ले जाते हैं डेली। अच्छा, डेली डेली का ऑर्डर वहाँ पर रेड़ी वालों को सप्लाई करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये भी दोस्तों अच्छा काम है, यहाँ से रेड़ी वालों से भी को वहाँ सप्लाई किया जाता है। इस जगह से हम बहुत माल लेंगे, खुराना जी के यहाँ से बहुत माल ले जाते हैं लहसुन। अब लहसुन महंगा हो गया इसलिए हाथ कम रखते हैं हम उस पर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो महंगा हो गया तो थोड़ा थोड़ा माल लेके जाते हैं। अच्छा, पहले ज्यादा ज्यादा ले जाते थे, सस्ता था तो ज्यादा ले जाते थे, महंगा हो गया तो कम ले जा रहे हैं। सही बात है, सही बात है। दोस्तों ये भी भाई हमारे वीडियो पे कहा भी वीडियो बनाओ हमारी, हमने भाई की वीडियो बनाई है दोस्तों। तो भाई साहब अपना नाम क्या होगा? सिराज खान। सिराज खान है दोस्तों। तो ओके फ्रेंड्स, आप मिल गए होंगे हमारे भाइयों से। तो ओके भाई जान, थैंक यू ब्रदर। ओके ब्रदर। फ्रेंड्स इस टाइम हमारे खुराना जी पहुँच चुके हैं दोस्तों, यहाँ पहुँच चुके हैं दोस्तों, और फोन पे बात कर रहे हैं।
हम इनसे बात करेंगे दोस्तों, जितने मेरे व्यूवर्स हैं सभी से हम मिलाएंगे दोस्तों। नमस्कार जी सर, बहुत बहुत नमस्कार है सर। कैसे मलिक? बढ़िया बढ़िया सर। हमारा ब्लॉग है ये सुनील ठाकुर ब्लॉग्स के नाम से। क्या नाम से है? सुनील ठाकुर ब्लॉग्स। सुनील ठाकुर ब्लॉग्स। हाँ सर, मैं ब्लॉग बनाता हूँ डेली और हम आपको देखते हैं सर फोटो पे, मतलब वीडियो पे, और जानकारी लर्सन की इतनी अच्छी देते हैं सर आप के, और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका आपका भाई सर कि मतलब तो मकसद यही होता है। देखो भाई साहब, अपने को एक रुपए का एक पैसे का लालच नहीं है। सही बात है। मैंने कभी इंटरव्यू में ये नहीं बोला कि आप लोग वहाँ ना बेचो मेरे पास लेके आओ। सही बात है। जिसका भी पर्सनल फोन भी आता है, देखो ये बोलता हूँ भाई तेजी है तो तेजी बता दो, तो मंदी है तो मंदी बता दो, तो ये बोलता हूँ अपने पहले अपने इलाके में बेचो। सही बात है। अगर वहाँ पे आपको लगता है कटिंग हो रही है या गलत कर रहे हैं लोग, तो फिर भाई की तरफ मूव करो। और जैसा आपके हिमाचल वाले साउथ साइड बहुत भागते हैं, अच्छे, और पिछले 3-4 साल में इनको साउथ में अच्छे झटके पड़े, अच्छे लॉसेस हुए। अच्छे। हाँ सही बात। और कई होगी तो पेमटे बेचारों की अभी तक नहीं आई, 2-2 साल हो गए। हाँ जी सही बात। जो हिमाचल वालों के दिमाग में होता था कि जी ये हमारा माल 2 महीने की ही फसल है। हाँ जी। ज्यादातर हिमाचल वालों को ही होता था कि 2 महीने की फसल है, 2500 रुपए बेटा। अच्छा। हाँ जी सही। और ये लगता था कि उस 2 महीने में ही बेचना और सिर्फ साउथ वाले या गुजरात वाले ले जाएंगे। हाँ जी सही बात। और कोई ग्राहक ही नहीं था। हाँ जी। उनको ये लगता था। इस साल इनको समझ आई है कि और मंडियां भी हैं। हाँ जी। दिल्ली मंडी ने साउथ मंडी से ज्यादा लहसुन बेचा है हिमाचल में। सही बात है। इस बार बहुत आया था। और हैंड टू हैंड पेमेंटें मिली है। हाँ जी। यहाँ कोई टंटा नहीं है पूरी दिल्ली मंडी का। अच्छा। कोई टंटा नहीं है कि 1 महीने बाद पेमेंट मिलेगी, 2 महीने बाद मिलेगी। हाँ या 1 साल बाद मिलेगी। हाँ आपका माल आया बिका, हैंड टू हैंड अपनी पेमेंट मिला। हाँ जी सही। तो ये भाई साहब एक आपको, एक तो गाड़ी जाने में आपको 8-10 दिन लगते हैं। हाँ जी सही बात। माल बिके तब तक माल की पोजीशन क्या रहती है यही नहीं पता होती। सही बात है। यहाँ रात को चले सुबह आए माल बेचा अगले दिन घर पे। हाँ जी सही बात। तो जितने दिन में आप वहाँ साउथ पहुँचते हैं उतने दिन में तो 3 बार दिल्ली का चक्कर मार लेते हैं। हाँ जी सही। और पेमेंट मिल जाती है अपने को अकाउंट में। हाँ जी। कैश का मतलब आपके अकाउंट में पेमेंट पहुँच जाता है। हाँ जी सही बात। ठीक है जी। तो पेमेंट का ट्रांजेक्शन आप घुमा सकते हैं। हाँ जी भाई। आप अगर 100 गट्टे लेके साउथ पहुंचते पहले तो वो मुमकिन नहीं है। हाँ जी। पहले किसी बड़े आदमी को तेल लगाओ भाई मेरे 100 गट्टे ले जाओ। हाँ जी। और फिर वहाँ पे जब बड़ा आदमी जाएगा तो आपकी क्या वैल्यू देगी? हाँ जी सही बात। साउथ में कुछ नहीं देगी। 100 गट्टे 200 गट्टे लेके बेचारे की कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू नहीं है सर। और दिल्ली में 10 गट्टे आज आप कितने गट्टे लाए? हमें तो 22 है सर। आप 22 गट्टे लाए और ठा आ गए यहाँ पे। कोई 5 गट्टे वाला भी वो भी 2 मिनट में आ जाता है दिल्ली, अगले दिन दिल्ली। हाँ जी सही बात। मेरा मकसद ये है कहने का कि एक तो दिमाग से सब निकाल दें कि एक ही मंडी पे आप डिपेंडेंट हैं। हाँ जी सही बात है ना। और उस मंडी से और वो मंडी आपका माल ज्यादा बेचती है तो दिमाग से निकाल दो, ये गलतफहमी इस साल देख ली लोगों ने, दूर हो गई। आप ये समझ लें आपके करीब कौन सी मंडी पड़ रही है। हाँ जी। ट्रांजेक्शन आप उससे कितना बड़ा कर सकते हैं। हाँ जी। और आपका माल सेफ पॉइंट से। हाँ जी। कितना बढ़िया अच्छे भाव बिकता है। सही बात। अब जैसे मेरे पास एक भाई साहब का माल आया था फार्मी लहसुन। अच्छा। आपके हिमाचल से ही है। अच्छा। और उन्होंने उनका यहाँ पे माल बिका नहीं, उन्होंने वो माल उठाया और ले गए। अच्छा जी। ये चीज साउथ में पॉसिबल नहीं है। सही बात। आपका वहाँ क्या वो शमशान घाट है, वो दूध वाला शमशान घाट है। सही बात। ना तो आप लाश ला सकते हो और ना उसको ढंग से उसका क्रियाक्रम कर सकते हो। वो उनके भरोसे छोड़ दी। हाँ जी सही बात है ना। यहाँ इतना तो है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ आपके पास सब कुछ सुविधा है। हाँ सही। मैं अपनी दुकान से बता दूँ, मेरी दुकान से फार्मी लहसुन वापिस किया था। अच्छा। हिमाचल। अब देखो देख लो फ्रेंड्स की कितना बड़ी बात है। मैं उसे छुपाता नहीं भैया। हाँ सही बात। तेज पे नहीं बिका, उनका बिकरा था वो ले गए। सही बात। उसमें मेरे को दिक्कत नहीं है ना, आपका अगर भला हो रहा है। हाँ जी। तो मैं तो ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को वहाँ से यहाँ बेटर मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल बेटर। आने वाले टाइम में आप देखना आपकी जो डिपेंडेंसी है उस पर खत्म हो जाएगी, ये लिख लेना। सही बात है। इस बारे सर काफी फर्क पड़ा है इस बार। हाँ। सर आप देखना आप, हम आपको दिल्ली से ही दिल्ली इतना सेल करवा देंगे, आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी घूमने की। सही बात। आप ये बताएं एक छोटा सा फंडा समझे आप। हाँ जी। मैं अनपढ़ हूँ, मैं अनपढ़ों वाली बात समझा सकता हूँ, है ना जी। एक हेलो।
तो सर एक चीज तो आप लोग दिमाग से निकाल दें कि घबराए नहीं, अगर लहसुन पैदा कर रहे हैं जब घबराहट होगी बताऊंगा भाई बेच लो। दिक्कत है और जहाँ दिक्कत नहीं है वहाँ आपको बताएंगे कि दुख खेचो। जैसे मैंने आज से 2 महीने 1.5 महीने पहले बोला था कि लहसुन में कहीं घबराहट नहीं, जो हिमाचल में घबरा के माल अभी भी निकाला 1.5 महीना पहले हिमाचल उन्होंने खूब निकाला घबरा के। आज आप देख लो, आज हिमाचल 180-190-200 है। सही बात, वही बात मैंने आज से 2 महीने पहले बोली थी कि हिमाचल 150-200 बिकेगा। बोले थी मेरे इंटरव्यू पे, सबूत है इस बात। लोग जो उल्टा सीधा बोलते हैं हम तो उसमें ध्यान ही नहीं देते। मेरा तो काम आपको सबूत देगा, जो मैंने बोला वो सब रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है सर, बिल्कुल सही बात है। इस बार फसल कितनी आप लोग लगा दें? इस बार भी ठीक लगी है सर, दबा के लगाओ, ठीक नहीं डबल लगाओ, डबल रेट रहेंगे सर अगले साल। भाजी आप समझो कि मैं जो बता रहा था एक नॉर्मल सा फंडा, अनपढ़ हूँ अनपढ़ हूँ बात समझ रहा भाई, 2500 रुपए। चाइना का ये जो विदेशी लहसुन है अच्छा, ये आखिरी तक बिकता है अच्छा, दिसंबर जनवरी फरवरी तक बिकता है अच्छा, तो हमारा उसकी टक्कर में रहता है अच्छा, हमारा नहीं बिक सकता। आप लोगों को आज तक ये होता था कि उग जाएगा जर्मिनेशन हो जाएगी, ये होता है। अभी तक जिन पे पड़ा उनसे पूछो जर्मिनेशन हो गई क्या, ये सब वो लोग पागल बनाते थे आपको, ये 30 रुपए ये सब लोग पागल बनाते थे कि उग जाएगा जर्मिनेशन हो जाएगी कि आप घबरा के बेचो। आज नवंबर खड़ा है सर पे, 27 तारीख हो गई अक्टूबर की, नवंबर आ गया, क्या जर्मिनेशन हुई बताइए आप। मेरे कट्टे भी यहीं पे है तो है नहीं कोई जर्मिनेशन। सही बात, मैं आपको आपका ही माल दिया था, इनका माल ला के पलटवा देता हूं। जो भाई का माल आया वैसे इसमें ही दिखा देते हैं, ऐसे ही पलट दे, ये खोलने से बड़ा हूं मुझे, क्या जर्मिनेशन हुई बताइए। ये भी हिमाचल का माल है, हिमाचल का माल है ये भी, ये आपका, ये वाला, ये आपका, ये बताओ क्या जर्मिनेशन हुई है। नहीं सर इसमें जर्मिनेशन, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हिमाचल का माल है दोस्तों, और ये जर्मिनेशन है अगर पूरा देखोगे हाँ। तो ये एक दाना निकल रहा है। हाँ जी सही बात है सर, बाकी ये पूरा माल आप यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए हाँ, क्या जर्मिनेशन हुआ। नवंबर है दोस्तों आने वाला है सर पे, अभी तक ठीक है दोस्तों माल, ये थोड़ा सा हो गया बस हाँ। अब अगर इस माल को हाँ। रखने का तरीका हम आपको सिखा दें। हाँ सर सही बात है, सही बात बोली सर ने, हमें तरीका नहीं है सर इसका रखने का, तरीका नहीं, ये आप लोगों ने उठाया रखा गोडाउन में, चलो जी हो गया। हाँ जी अगला साल अच्छा, जो समय जिसको लगता है कि उसको स्टॉक कहना है हाँ, मेरे से मिलना आके हाँ, तो फ्रेंड्स आप सुन सकते हैं हमारे सर की बात, मैं आपको तरीका बताऊंगा अच्छा। ये आप अगर जनवरी में भी माल निकालोगे ना अच्छा जी, वैसे का वैसा रहेगा, बहुत बड़ी बात है सर, फरवरी में भी माल निकालोगे वैसा का वैसा रहेगा सर, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं हमारे लिए। तो जर्मिनेशन का जो जर्मिनेशन से घबराहट है ना, तो स्टॉक करने का तरीका हम बता देंगे अच्छा। अब और इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है सर, अगर आप हमें ये बता दें तो इससे बड़ी तो बात ही कुछ नहीं है। उसके लिए आप लोग जब माल बेचने आएंगे अच्छा, मिलिए मेरे से अच्छा। आपको प्रॉपर बताऊंगा इसका तरीका क्या अच्छा, तो उसमें थोड़ा सा सर एक्सप्लेन आप कर दें अभी तो बहुत बढ़िया था सर, भूल जाओगे अच्छा। आप लोग भूल जाओगे सर, ये तो वीडियो में रिकॉर्ड है सर हमारे भी, ये नहीं भूलेंगे। जितने भी विदेश वाले हैं ना अच्छा, चाइना वालों को ले लो, वो एंड तक 2-2 साल माल रोक के रखते हैं अच्छा, 2-2 साल उनका माल रुका रहता है, और इसके लिए कोई वो नहीं है अच्छा, वो कुछ नहीं कहते, कोल्ड स्टोर में डालते हैं, कोल्ड स्टोर में डालते हैं अच्छा। और टेम्परेचर क्या होता है, +2 +3 टेम्परेचर पे माल रख दो अच्छा, बस और वो पनट्स होते हैं नीचे, लकड़ी के फट्टे प्लास्टिक के फट्टे होते हैं अच्छा, उसके ऊपर ये उठा के आप रख दीजिए अच्छा। चैम्बर आपका बढ़िया होना चाहिए, आप देखो उगेगा नहीं होगा तो सर। अब जैसे हम सबके पास कोल्ड स्टोर तो सर होगा नहीं, जैसे तो दिल्ली है ना भाई साहब अच्छा, यहाँ पे दिल्ली में रखवाएंगे आपको अच्छा आ, मैं आपको माल रखवाऊंगा अच्छा अच्छा, दिल्ली में माल रखवाएंगे आपको अच्छा, जिसको समझ आए अच्छा आपको स्टॉक कहना है अच्छा, हम दिल्ली में रखवाएंगे। तो सर इसकी माल को फीस क्या पड़ेगी इसकी, बहुत नॉर्मल सी होती है भैया अच्छा, कोई वो बहुत महंगी फीसें नहीं है अच्छा, इतनी तो है कि आप अपना
कोई अगर 50 कट्टे वाला भी है, ये सिर्फ आप लोगों को एक सुविधा दे रहा हूँ। अच्छा। किसी को 50 कट्टे वाले को भी स्टॉक करना है, अच्छा, वो मेरे पास आके स्टॉक करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने कितने बड़ी बात सर से हमारे सुनी है, तो ये अब अगले साल की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। किसी को सिर्फ 50 कट्टा भी स्टॉक करना है, आप आइए, मैं कहूँगा। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। माल आपका होगा, अच्छा, थोड़ा बहुत स्टोर का जो खर्चा लगता है वो लगेगा। अच्छा, आपको हम 50 कट्टे, आप भी समझदार, स्टोर वाला क्यों रखेगा। हाँ जी, लेकिन हम क्लब कर देंगे लोगों को। अच्छा, जैसे अगर 50 लोग हैं, 50-50 कट्टा रखना चाहे तो 2,500 कट्टा हो गया। हाँ जी, सही बात है। तो वो हम चैम्बर लेके सबको इकट्ठा रखवा देंगे। अच्छा, ये सुविधा मैं अपने किसान भाइयों के लिए करूंगा, जिनको ये लगता था कि हमें तो सिर्फ 20 कट्टे, मेरी क्या लेवल है। हाँ, सही, हमें तो 50 कट्टा, मेरा क्या लेवल सही है। सही, तो भाई साहब, आप अपना लेवल आपका बहुत बड़ा। सही बात है, आप ऐसी धरती में रह रहे हैं। हाँ जी, जो इस पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं, जहाँ भगवानों का वास है। सही बात है, तो आपका लेवल तो ऑलरेडी ऊपर है। सही बात है, तो अपने लेवल को कम नहीं आंको, ये नहीं सोचो कि 20 कट्टे हैं तो हमारा लेवल कोई। सही बात है, सही बात है, आप लोग भगवानों की धरती पे रह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस तरह से हमारे लिए बहुत ऊंचा है। सही है ना, तो घबराइए नहीं, दबा के काम करिए, माल लगाइए जितना लगा सकते हो, जिसकी जितनी क्षमता उससे ज्यादा माल लगाना होगा। अच्छा जी, हिमाचल वालों के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा। और श्रीनगर वालों के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि अगला साल उठा पटक बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा जी, तब माहौल देखेंगे, स्टॉक का माहौल रहा तो स्टॉक करवाएंगे। अच्छा, बिकने का माहौल रहा बिकवाएंगे। अच्छा जी, हाँ, उस टाइम में माहौल देख के फिर मैं सलाह दूंगा आपको, ताकि आप लोग फसल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। सर, आपने हमारे लिए बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं, क्योंकि आपने जो हमें स्टोर के लिए भी कहा है सर, तो इससे ज़्यादा मतलब इतनी बड़ी बात आप कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं मतलब। सर, असल में ना देखो, फर्क है, आदमी को ये लगता है कि जी आड़ती के दिमाग में होता है, किसान आया, माल बेचो, अपनी कमीशन लो, साइड हो। सही बात, सही बात, आपका वो नहीं है, हमारा वो संबंध नहीं है। सही, हम आप लोगों को किसान मानते नहीं, आपको किसी को नहीं मानते। हाँ। मेरी दुकान पे जो आया वो मेरा किसान नहीं है, मेरे घर का आदमी है। सही बात है सर। आज आप में क्षमता होगी, आप पैसे वाले हो गए तो मेरे को कम से कम चाय पानी तो पूछ लोगे अपने घर बुला के। सही बात है सर, सही बात, आप में क्षमता नहीं होगी तो हमारी तो भगवान है सर, अगर आप नहीं, भगवान भगवान कोई नहीं होता भैया, सही बात, एक ही है ना, भगवान एक ही है, लेकिन ये है कि मेरी सोच है कि मैं रोटी खा रहा हूँ तो मेरे साथ वाला दो रोटी ज्यादा खाए। सही बात है, बस ये तो सर हमारे सर की जो सोच है दोस्तों, बहुत बड़ी सोच है और सबको साथ लेके चलने वाली सोच है दोस्तों। तो सर, और कुछ आप कहना चाहेंगे? बस सर, आप लोग लगाओ दबा के। अच्छा। बेचने के टाइम घबराना नहीं। अच्छा, बेचने के टाइम तब फिर टाइम से सलाह दूंगा, बेचना है कि नहीं बेचना। अच्छा। स्टॉक करना है या रोक के चलना। अच्छा। उस हिसाब से आगे चलूंगा। सर, थोड़ा सा नंबर भी, एक अपने मुंह से अपना नंबर भी बोल दीजिए सर। डीजीएम का कार्ड है, जितेंद्र खुराना, मेरा मोबाइल नंबर है 9811268555। तो फ्रेंड्स, आपने सभी सुन लिया होगा हमारे सर का नंबर भी। फर्म है डी जितेंद्र कुमार महेंद्र कुमार, K287 आजादपुर सब्जी मंडी। और ये मैं अपना कार्ड दिखा रहा हूँ, ये कार्ड है। तो दोस्तों, आप ये कार्ड भी देख लीजिए फ्रेंड्स, ये आप, और ये नंबर भी है दोस्तों इस पे, और ये हमारे सरकार नंबर भी और लाइसेंस नंबर सब कुछ है दोस्तों। थोड़ा सा सर उंगली हटाएंगे आप वहाँ पे, नहीं दूसरे वाली बस सर। हाँ, ये जो है ये 287 है दोस्तों, हमारी दुकान का नंबर है हमारे सर की। तो ये फ्रेंड्स आपने देख लिया होगा। ओके सर, ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज आपने ब्लॉग्स के मजे लिए होंगे, क्योंकि दोस्तों हमें खुराना जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है दोस्तों, कि हमें अगर लहसुन या गार्लिक से अगर रोकना है दोस्तों, तो उन्होंने हमें एडवाइस किया है हिमाचल वालों को स्पेशली, कि आपके 10 कट्टा, 20 कट्टा, 50, 100 कट्टा जो भी है, हम इनसे खुराना जी से मिले दोस्तों, और कोल्ड स्टोर में इसे रखें। बहुत बड़ी जानकारी दोस्तों आज इस ब्लॉग के अंदर है। तो हम खुराना जी का बहुत आभारी हैं, और बहुत ही दोस्तों ये बहुत अच्छे हैं, इनकी कोई तारीफ नहीं है, इन्होंने बहुत सपोर्ट दोस्तों हमें किया है, बहुत अच्छे करते हैं, और हर जिम्मेदार को करते हैं, ये मेरे लिए नहीं है, सबके लिए एक जैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने ब्लॉग्स के मजे लिए होंगे, मैं आज अपने इस ब्लॉग को दोस्तों समाप्त करता हूँ।
और फिर कल मिलते हैं आपसे एक नए दिन और नए व्लॉग के साथ। तो ओके बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे कल। ओके बाय।